हेलो स्टूडेंट्स, वी आर इन टू लोकमान्य तिलक स्कूल मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 3 एंड विल बी स्टडिंग नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो इस पे देखिए ये एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन ये आपको दिख रही होगी, नाउ दिस इज़ द नंबर लाइन एक्सटेंडिंग नंबर लाइन्स। नंबर लाइन्स में हम लोगों ने 0, 1, 2, 3 ऐसे देखा था। तो नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 0 और ये एरो ज़रूर बनाएंगे। एरो का मतलब नंबर लाइन बढ़ती चली जा रही है टिल इन्फिनिटी, एरो का मतलब ये होता है। और अगर ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब कि एक छोटा सा सेगमेंट है नंबर लाइन का, 0, 1, 2, 3। तो देखिए ये एरो इसीलिए बनाया गया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। एंड दिस इज़ -1, -2, -3, -4 एंड -5। माइनस लगा देंगे तो ये सारे के सारे ज़ीरो के बाद इधर ये सब पॉजिटिव हैं और इधर नंबर लाइन के जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं व्हाट आर मिसिंग नंबर्स। देखिए इसमें मिसिंग नंबर में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एंड इसके बाद 0 के बाद -1, -2, -3, -4 ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिस्ट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 ऑन द नंबर लाइन, आर दे पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए लेफ्ट 1 के बाद लिस्ट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 ऑन द नंबर लाइन। 1 है ये 0, ये -1, ये -2। तो 1 के लेफ्ट में 3 नंबर 3 इंटीजर्स -2, -1 एंड 0, 0, -1 एंड -2, ऑफ विच -1 एंड -2 आर नेगेटिव एंड 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब देखें, राइट एन इंटीजर टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, प्रॉफिट ऑफ 500। तो इंटीजर में मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो प्रॉफिट ऑफ 500 यानी फ़ायदा हुआ, तो यानी प्लस 500। 1900 BC, आप लोगों को पता है AD और BC के बीच में फ़र्क, यानी हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उसमें जीसस क्राइस्ट के बाद से रोमन एरा चालू होता है। 0 के इधर 1, 2, 3 इस समय 2020 चल रहा है, और BC ये बिफोर क्राइस्ट, ये क्राइस्ट का पीरियड है बिफोर क्राइस्ट। ये AD है एना डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट ये BC है। आपको बता रहा था मैं क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट के बारे में। तो देखिए ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इसके पहले जितना भी पीरियड होता है वो बिफोर क्राइस्ट होता है, ये एना डोमिनी AD होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। इसके 0 के पहले जो भी पीरियड होता है वो नेगेटिव में है, वो बिफोर क्राइस्ट 1900 BC यानी -1900। अ टेम्परेचर ऑफ 40 बिलो 0, 0 के नीचे क्या है माइनस में आएगा सब। 20 seconds आफ्टर लिफ्ट ऑफ, आफ्टर है बाद में यानी +20। इसी तरीके से देखेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन, लोकेट ईच ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स एंड मार्क इट विथ नेम्ड पॉइंट 7 units टू द लेफ्ट ऑफ 0। ये 0 है, देखिए ये 0 है, हम लोग सॉल्यूशन ये देख रहे हैं। तो 7 units में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यानी ये हो गया -7, ये A हो गया। फिर देखते हैं 3 units टू द राइट ऑफ B,
टू द राइट ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो के बाद 3 यूनिट्स, 1 2 3, ये बी हो गया। ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करके 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ माइनस टू, माइनस टू के बाद 3 यूनिट्स, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ये हो गया सी। एंड 4 यूनिट्स फिफ्थ वाला देखेंगे, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ माइनस थ्री, माइनस थ्री के बाद 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, ये ई हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन माइनस थ्री एंड माइनस वन। माइनस थ्री के बाद क्या आएगा, माइनस टू आएगा, फिर माइनस वन आएगा, फिर ज़ीरो आएगा। बिटवीन पूछा है तो बिटवीन इसके बीच में, माइनस थ्री और वन के बीच में ये आएगा। इसी तरीके से माइनस सिक्स ये दिया हुआ है। कंपेयरिंग इंटीजर्स में देखते हैं क्या है। इंटीजर्स कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग देयर पोजिशन ऑन अ नंबर लाइन। द ग्रेटर ऑफ द टू इंटीजर्स इज ऑलवेज टू द राइट ऑफ द स्मॉलर नंबर वन। यानी कि नंबर लाइन में जो राइट वाला नंबर है वो हमेशा बड़ा रहेगा। देखिए 0 1, तो कौन सा बड़ा है, राइट वाला 1। 2 और 3 में कौन बड़ा है, राइट वाला 3। इसी तरीके से देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन माइनस थ्री और माइनस टू में कौन बड़ा है, राइट वाला माइनस टू। माइनस थ्री और माइनस टू में कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस टू। अगर थ्री और टू में कौन कौन सा बड़ा है, तो थ्री बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से माइनस फोर, माइनस एट में कौन सा बड़ा है, माइनस फोर बड़ा है। क्यों, क्योंकि माइनस फोर ये यहाँ पर राइट में है, माइनस एट एकदम लेफ्ट में है। और फोर और एट में कौन सा नंबर बड़ा है, फोर और एट में एट बड़ा है। ठीक है, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। राइट इसी तरीके से ग्रेटर और स्मॉलर टू कंपेयर द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटीजर्स। माइनस टू और टू में कौन सा बड़ा है, टू बड़ा है। जीरो फाइव में कौन सा बड़ा है, फाइव बड़ा है। माइनस एट माइनस टेन में कौन सा बड़ा है, माइनस एट। देखिए माइनस एट इधर है एंड माइनस टेन ये यहाँ पर है, उसके लेफ्ट में है। माइनस टेन लेफ्ट में है, माइनस एट राइट में है, तो माइनस एट बड़ा है। जीरो और माइनस सिक्सटीन में कौन सा बड़ा है, जीरो राइट में आएगा, जीरो बड़ा है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज़ थ्री मोर देन माइनस टू, थ्री मोर देन माइनस टू, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करिए। क्योंकि यूजिंग द नंबर लाइन बोला है, तो यूज़ करिए नंबर लाइन, एरो बनाइए इधर और 0 1 2 3 ऐसे कर लीजिए। और क्या कहे, थ्री मोर देन माइनस टू, माइनस टू में तीन ऐड कर दीजिए, 1 2 3, तो ये हो गया आंसर, हो गया 1। फाइव लेस देन माइनस थ्री, माइनस थ्री में फाइव लेस कर दीजिए, फाइव लेस देन थ्री, सॉरी माइनस थ्री नहीं, फाइव लेस देन थ्री है, तो 0 1 2 3, ये थ्री हो गया, इसमें फाइव घटा दीजिए, 1 2 3 4 5, यह आंसर आ गया माइनस टू। फोर मोर देन माइनस फोर, माइनस फोर में फोर घटा देंगे तो 1 2 3 एंड 4, ज़ीरो आ जाएगा आंसर। राइट द इंटीजर्स, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी जो पहले आएगा वो ज़ीरो। जैसे इसको लिखते हैं, ये वाले आंसर को क्या आएगा, माइनस थ्री, ये सेवन एंड माइनस एट, ये ज़ीरो, ये थ्री। तो सबसे पहले क्या आएगा नंबर लाइन पे, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अगर, तो इधर ज़ीरो आएगा, फिर इसके बाद थ्री आएगा ये, फिर इसके बाद सेवन आएगा, फिर उसके बाद माइनस थ्री आएगा, फिर माइनस एट। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। इसी तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। 12 5, इस वाले को देखिए, सेकंड वाले को, 12 5 2 10, माइनस नाइन। वेट ए मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, फिर स्पेस बन जाएगी, देन आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी वेल। ओके, ये हो गया माइनस 12, ये हो गया 5 2 10, माइनस नाइन ऐसे लिखिए। ये हो गया 2 2 के बाद 10, 10 के और 2 के बीच में 5, ठीक है, एंड फिर माइनस नाइन एंड माइनस 12। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा असेंडिंग, और डिसेंडिंग ऑर्डर
ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में 10, 5, 2, माइनस 9 एंड माइनस 12 और कॉमा ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जो कि विदाउट एनी साइंस, यानी माइनस 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 15 का एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही रहेगा। द सिंबल इज़ यूज टू डिनोट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यानी कि आप साइन हटा देंगे यहाँ से, वही एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। कुछ एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस देखिए, ये चैप्टर बहुत सिंपल है इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, इस पर समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीरो इज़ नॉट एन इंटीजर, इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। फॉल्स, देखिए नंबर लाइन में ज़ीरो जो है वो इंटीजर पे आता है, ये ज़ीरो दैट इज़ एन इंटीजर। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस टू टू द लेफ्ट ऑफ माइनस फाइव, माइनस टू इज टू द लेफ्ट ऑफ माइनस फाइव ऑन द नंबर लाइन। देखिए ये ज़ीरो है, ये वन टू, ये माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस टू माइनस फाइव के राइट में आएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये ट्रू हो जाएगा। देखिए होल नंबर क्या होते हैं, ज़ीरो से चालू होते हैं, तो देखिए ये ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, दिस इज, दीज आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ये भी याद रखिएगा, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ज़ीरो के पहले, ज़ीरो के पहले लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर नॉट होल नंबर्स। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, सबसे बड़ा कौन है, माइनस वन। द ऑपोजिट ऑफ विनिंग बाय अ मार्जिन ऑफ 400 वोट्स इज माइनस 400, यानी कि लूजिंग बाय अ मार्जिन ऑफ 400। माइनस 103, माइनस 101, इसमें कौन सा बड़ा है, देखिए पॉजिटिव होता अगर 103 और 101 में पॉजिटिव होता, ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो कौन सा बड़ा है, 103, बट नेगेटिव में जस्ट उल्टा हो जाता है, 103 101 में 101 बड़ा है। द नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स लाइंग बिटवीन माइनस एंड माइनस 11 एंड 5, बिटवीन है यानी माइनस 11 और 5 के बीच में, तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसके बाद 1, 2, 3 यानी माइनस में, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन और फिर माइनस इलेवन खुद आ गया, तो ये इस माइनस इलेवन और फाइव के बीच में पूछ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने इंटीजर्स हैं, 15 इंटीजर्स हैं। द डैश वैल्यू ऑफ माइनस 16 इज 16, द डैश वैल्यू ऑफ माइनस 16 एंड 16 इज़ द सेम, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखिए द राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, 50 किलोमीटर साउथ में तो 50 किलोमीटर नॉर्थ में, विड्रॉइंग 400 फ्रॉम बैंक अकाउंट यानी डिपॉजिटिंग, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिपॉजिटिंग, विड्रॉ मतलब निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा करना, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑपोजिट लिखना है हम लोगों को। लूजिंग बाय 15 रन, विनिंग बाय 15 रन्स, 216 AD एंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा 216 BC, 200 मीटर बिलो सी लेवल, 20 meters below sea level, इसका हो जाएगा 20 meters above sea level. Write an integer to name the number in the given sentences. The elevator is 2 floors below the street level, यानी minus 2. The temperature of 40 degrees above zero, यानी 40
प्लस अगर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर 40 लिखा है तो उसका मतलब ऑलरेडी है कि प्लस है। माइनस अगर कहीं है तो वहाँ पर साइन ज़रूर लगाएंगे, प्लस में साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। 25 सेकेंड्स आफ्टर द लिफ्ट ऑफ, यानी 25 प्लस 25, या फिर 25 भी लिख सकते हैं। मूविंग 8 स्टेप्स बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे जाना, यानी -8। अ लॉस ऑफ 160, यानी लॉस नुकसान घाटा -160। राइट द ऑपोजिट ऑफ -20 का +20, 30 का -311, 0 का 0 रहेगा, 46 का प्लस -46 का +46। मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन ये ड्रॉ कर लीजिए, सेम 0 से चालू करिए और इसको पूरा लिख दीजिए। एक नंबर लाइन सबके लिए, अलग अलग नंबर लाइन मत बनाइएगा, एक नंबर लाइन बनाइएगा, उसी में सारे नंबर्स मार्क कर दीजिएगा। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, अब ये सिंपल है, इसमें क्या बताना है, बड़ा या छोटा, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन, 8 इज ग्रेटर देन, ये जो जिधर बड़ा हो उधर की तरफ मुंह कर दीजिए, 0 और 7 में 0 बड़ा है, इधर की तरफ मुंह रहेगा, यानी जिधर की तरफ मुंह रहेगा उधर की तरफ वो बड़ा है। देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ऐसे मैंने याद किया था, ऐसे जिधर की तरफ बड़ा उधर की तरफ मुंह। -12 में -8 में कौन बड़ा है, -8 बड़ा, इधर इसको कर लीजिएगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। एक कोई नंबर उठा लीजिए, सेकंड वाला देखते हैं, 9 का सेकंड वाला देखते हैं, ये 10 हो गया, फिर ये -16 हो गया इधर, ये इधर कहीं 4 हो जाएगा, फिर इधर -20 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, एंड ये 2 हो जाएगा। लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है यानी एसेंडिंग ऑर्डर है, एंड अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अरेंज द फॉलोइंग, 10th क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सेम, असेंडिंग मैंने बताया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर सेम, ठीक है। यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 6 मोर देन -11, यानी -11 के बाद -10, -9, -8, -7, -6, -5, 1 2 3 4 5 6, 6 मोर देन, मोर मतलब राइट में चलेंगे नंबर लाइन के, 1 2 3 4 5 6, आंसर इज -5। इसी तरीके से फोर, इसको ये तीनों कंप्लीट करिए। राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वैल्यू लिखना है, एब्सोल्यूट नंबर देखना है, -8 का 8, 21 का 21, -15 का 15। देखिए अब यहाँ पर दो बार माइनस है, माइनस और ये ब्रैकेट है, माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, माइनस इनटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। आप लोग और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, माइनस इनटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, एंड माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, देखेंगे इसको। -4 प्लस 4, यानी ये -4 हो गया, इस ये +4 हो गया, ये 0 हो जाएगा। -8 माइनस -3, तो ये 8 माइनस -3, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 3 हो जाएगा ये। 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 ब्रैकेट में डिवाइड बाय -3, 16 माइनस 4 क्या हो गया, 12 हो गया, 12 डिवाइड बाय -3, यानी कि 12 डिवाइड बाय -3 इक्वल्स टू 3 4 12, -4 आएगा आंसर। माइनस डिवाइडेड बाई माइनस इक्वल्स टू प्लस, एंड माइनस डिवाइड बाई प्लस इक्वल्स टू माइनस में आएगा, प्लस डिवाइड बाई माइनस इक्वल्स टू माइनस,
प्लस डिवाइड बाय प्लस इक्वल्स टू प्लस। ये एक छोटा सा रूल है, इसको याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिए इसको अपने फॉर्मूला कॉपी में या कहीं पर कॉपी की शुरुआत में। इसको देखते हैं, 9 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, इंटू 2 माइनस 2 0 हो गया, एंड 7 इंटू 0 0 आंसर। ठीक है, ये देखते हैं, ये तो -4 + 4 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 हो गया, -15 एंड +21। ठीक है, द प्रेडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1 इज, -1 के पहले क्या आता है 0 आता है, प्रेडिसेसर मतलब पहले और सक्सेसर मतलब बाद में। द लीस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -9 एंड -13 इज माइनस, यानी लीस्ट यानी सबसे छोटा इंटीजर जो कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -12 -11 -10, ये तीन इंटीजर आएंगे। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, -12 आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, ये एक पेयर है इंटीजर का, द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, यानी फर्स्ट इंटीजर जो है दूसरे इंटीजर के लेफ्ट में नहीं है, -2 10 के लेफ्ट में है, -3 -5 के राइट में आएगा, ये नहीं है, यानी -3 -5 के राइट लेफ्ट में नहीं है, ये -5 के राइट में है, -6 में -4 ये लेफ्ट में आएगा, एंड -6 0 में -6 वो आएगा 0 के लेफ्ट में आएगा। ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजंस इज ट्रू, -10 में दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, 0 और -25 में -25 बड़ा है छोटा है, 0 बड़ा है, जो लेफ्ट में आएगा वो छोटा है, जो राइट में आएगा वो बड़ा है, -61 और -16 में दिस इज -61 इज स्मॉल, ये सिंबल होगा, ये फॉल्स है, -15 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, नहीं ये भी फॉल्स है, -15 और 0 में 15 बड़ा है। द सेट ऑफ टेम्परेचर्स, चलिए अब आगे देखते हैं, ये इसको अपने से करिए, एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, टिल देन अपने कॉपीज़ में ये पूरा का पूरा वर्क करिए। थैंक यू वेरी मच।